हाय गाइस, दिस इज़ हिमांशु सिवाल। आज हम बात करने वाले हैं अपने बचे हुए क्वेश्चंस की। किरचॉफ लॉ के जितने भी क्वेश्चन बच गए हैं, जो डाउट मुझे स्टूडेंट्स ने भेजे हैं, उनका मैं है डिस्कशन करने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 24 से हम स्टार्ट करते हैं। 23 तक मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझा दिए थे। क्वेश्चन 24, कैलकुलेट करंट इन द 3 ओम रेसिस्टर। 3 ओम के रेसिस्टर में मुझे करंट कैलकुलेट करना है। और ये डायग्राम हमें दे रखा है। देखिए, जब ये डायग्राम कुछ इस हिसाब से दिया, इसका मतलब होता है कि वायर टच नहीं हो रहे, मतलब कि वो तार जुड़े हुए नहीं है, वो ऊपर से क्रॉस हो गए, मतलब ऐसे। ठीक, यानी कि ये तार अलग है और ये वाला अलग है। इन दोनों वायर्स का आपस में कोई कनेक्शन नहीं। ठीक, और ये हमें बैटरी दे रखी है जिसका EMF 1.8 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 2/3। तो मैं यहाँ बना लेता हूँ। कभी भी ध्यान रखिएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर बैटरी के साथ ऐसे लिखा हो कोमा करके, E और R की ओर दे रखी है, तो R साथ में बना लें, क्योंकि ये भी हमें कंसिडर करना है। ठीक है, अब हमारा काम क्या है? ये कितना था? ये हमारा 6 ओम। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब ऐसा डायग्राम बना हो तब क्या है, क्योंकि मैंने आपसे क्या बताया कि इस डायग्राम का मतलब है कि करंट जो है वो, मतलब तार दोनों टच नहीं है, तार टच नहीं है, मतलब यहाँ KCL नहीं, करंट फ्लो नहीं होगा इधर ऐसे कि जी यहाँ से करंट आया वो इधर इधर भी गया। ये वाला करंट सीधे सामने जाएगा और ये वाला करंट ठीक सामने ऐसे जाएगा। ठीक, मतलब इन वायर का आपस में कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है। तो देखिए, मैं ऐसा क्या इस डायग्राम को ऐसे बना सकता हूँ कि 8 और 6 एक सीरीज में है, 8 और 6 का इससे कोई मतलब नहीं। तो हम ऐसे बना लें, 8 ओम, 6 ओम और 2 और 4 का अलग कनेक्शन है, 2 ओम। भाई जब ये वायर कनेक्ट टच ही नहीं हो रहे आपस में, तो ऊपर नीचे बनाने जरूरी थोड़े ही है। मैंने ऐसे बना दिए। अब कुछ रह गया क्या? अब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये कितना हो गया, 8 और 6 सीरीज में लगाएंगे तो 14, और ये कितना हो गया, 6। ठीक है, हाँ, अब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, कि ये चारों पैरेलल में है, 1/3 प्लस 1/14 प्लस 1/6 और प्लस 1/6। कितना LCM आएगा? 14 3 6, तो 3 1 6, 14 3 2 6, 2 7 1 और 7, 42 ही हमारा आ गया। ठीक है, 3 3 12, 14 प्लस 14 3, 7 प्लस 7, तो स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 42 ऊपर चला जाएगा, 42 बाय 28 और 31, 42/31 ओम। ठीक है, तो अब सर्किट हमारा सिर्फ इतना बचा, और ये कितना, 1.8 वोल्ट। ठीक है, तो बस इतना सर्किट है। अब मैं करंट निकाल सकता हूँ, आई करंट फ्लो हुआ, ये साइन लगा दिए, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, और KVL लगा दें,
तो अप्लाई केवीएल, तो वैल्यू आएगी आई इंटू 42/31 प्लस आई इंटू 2/3 माइनस 1.8 इक्वल्स टू 0। तो आई कॉमन ले लूँ, ये हो गया 42/31 प्लस 2/3 इक्वल्स टू 1.8। तो आई इक्वल्स टू 1.8 बाय ये पूरी वैल्यू। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, 31 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 93। ये हो गया 126 और ये हो गया 62। ठीक है, तो हम यहाँ से आई की वैल्यू निकाल दें। आई की वैल्यू आ रही है 1.8 इंटू 93 बाय 881। ठीक, मैं इसकी कैलकुलेशन कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, थोड़ी जल्दी ये कैलकुलेशन हो जाएगी। स्टूडेंट्स मेरे पास कैलकुलेटर है, तो 1.8 इंटू 93 योगी 167.4 डिवाइडेड बाय 188, 0.89 एम्पियर, या फिर मैं राउंड ऑफ करके 0.9 एम्पियर करंट यहाँ लिख सकता हूँ कि सर्किट के अंदर इतना करंट फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, अब अगर सर्किट के अंदर इतना करंट फ्लो किया, तो जब मुझे यहाँ से आई पता चल गया 0.9 एम्पियर, तो मैं इस वायर का पोटेंशियल निकालूं और वो ही वोल्टेज होगी। क्या क्वेश्चन पूछा, क्या कैलकुलेट करंट इन 3 ओम रेसिस्टर। ठीक है, हमसे सिर्फ करंट पूछा गया है 3 ओम रेसिस्टर में, तो बस यहीं तक आप रखें। सॉरी, कैलकुलेट द करंट इन 3 ओम रेसिस्टर। हाँ नहीं नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। वोल्टेज डिफरेंस, द वोल्टेज इन 3 ओम रेसिस्टर, 3 ओम रेजिस्टर के अंदर मैं वोल्टेज निकालूं, तो वोल्टेज वी ए बी के बराबर होगी, जितनी वोल्टेज यहाँ जनरेट हो रही है क्योंकि वो पैरेलल में है। तो कितनी वोल्टेज होगी भाई, 1.8 प्लस का, और करंट अगर उधर से आया है तो प्लस माइनस, यानी माइनस का 2/3 इंटू 0.9, तो ये कितना हो गया 0.3। तो 1.8 माइनस 0.6, तो 1.2 वोल्ट यहाँ जनरेट हो रही है, यानी कि यहाँ भी 1.2 वोल्ट जनरेट होगी। और अगर मैं करंट निकालूँ इन I3 मतलब 3 ओम रेसिस्टर, तो कितना होगा V इक्वल्स टू IR, तो I इक्वल्स टू V बाय R, V 1.2 है और R वहाँ है 3, तो कितना हो गया 0.4 एम्पियर का करंट। बिना KVL लगाए मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ, KVL आपको हार्ड भी पड़ेगा अगर आप पूरे में ऐसे सॉल्व लगाएंगे तो। 0.4 एम्पियर का करंट यहाँ फ्लो हो रहा है 3 ओम के रेसिस्टर में, जो हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नेक्स्ट है, लेकिन वहाँ डायग्राम चेंज कर दिया। ठीक, मैं यहीं से रफ कर रहा हूँ, वहाँ डिजिट्स भी लगभग सारी सेम है, बस क्या फ़र्क कर दिया कि ये जो वायर थे वो टच हो रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की बात में स्टार्ट कर रहा हूँ, 24 आपका कंप्लीट हो गया। ये वायर अब टच हो रहे हैं, और जब ये वायर टच होंगे तो सारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। 2 ओम, 4 ओम, 8 ओम, ये डायग्राम है। तो जब भी वायर टच हो ध्यान रखिए, देखिए ये और ये पैरेलल में है, ये और ये पैरेलल में है, ये और ये पैरेलल में है, और फिर पूरे के साथ ये तीनों पैरेलल में आएंगे। ठीक है, तो डायग्राम दोबारा बना रहा हूँ, ये यहीं पर एज इट इज़। देखिए ज़रा डायग्राम फिर ये बन जाता है हमारा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें ताकि आपको ईजिली समझ में आ सके। मैं इस डायग्राम को ऐसे बना दूं, 8 ओम और 2 ओम पैरेलल में, 4 ओम और 6 ओम पैरेलल। ठीक, तो ये है, तो अभी आपका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का काम है सारा, ये मतलब सॉल्यूशन तो सारा ही चेंज हो जाएगा।
बस डायग्राम में के अंदर कोई चेंज नहीं है तो मैंने वहीं से ही डायग्राम कंटिन्यू कर लिया। तो कितना 8 और 2 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर मैं निकालूंगा तो 8 × 2 + 8 + 2 ये हो गया 16/10 यानी कि 1.6 ओम। और आर डबल डैश अगर मैं इसको निकालता हूँ 6 × 4/6 + 4 तो 24/12 नहीं सॉरी 10 तो हो गया 2.4। और ये दोनों फिर सीरीज में होंगे यानी कि आर ट्रिपल डैश कितना हो गया आर डैश प्लस आर डबल डैश यानी कि 1.6 + 2.4 तो ये वैल्यू आ गई 4 ओम। 4 ओम का रेजिस्टेंस पूरा ये है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर मैं निकालूं तो 1/1/3 प्लस इस वायर का 1/4 और प्लस इसका 1/6। ठीक है एलसीएम कितना आ गया बच्चों 12 4 3 2 12 ऊपर चला गया 9 4 3 तो 1.2 एम्पियर सॉरी 1.2 ओम। ठीक है तो 1.2 ओम ये रेजिस्टेंस आ रहा है 1.2 नहीं 3 3 10 1.3 ना 4/3 हाँ तो 1.333 चले जाएगा ये तो 1.3 ओम मैंने यहाँ लिख लिया। तो ये रेजिस्टेंस आ गया। अब बिल्कुल सेम आप वही करना है करंट निकालना है यहाँ इस रेजिस्टर में। तो करंट पहले केवीएल लगा लें पूरा सॉल्व कर लें अब तो आप कर ही लेंगे। दोबारा डायग्राम बना बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया बस ये चीज़ फलक थी। ठीक है चलिए नेक्स्ट 26 में आपको अच्छा पावर और पूछी है इसके अंदर तो पावर इक्वल्स टू I²R से आप निकाल देंगे या जो भी आप फॉर्मूला यूज करना चाहें इसके अलावा भी लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है नेक्स्ट 26 क्वेश्चन है यहाँ दे रखा है 2 cells of EMF 1.5 वोल्ट एंड 2.0 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम एंड 2 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल सो एज टू सेंड करंट इन द सेम डायरेक्शन थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। सर्किट बनाना है देखिए मैं सर्किट बना रहा हूँ सेकंड पार्ट आप खुद ही करेंगे। एक बैटरी है 1.5 वोल्ट की और दूसरी बैटरी है 2 वोल्ट की इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम। ठीक और इन दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया और इनसे जो करंट जा रहा है वो एक 5 ओम के रेसिस्टर में जा रहा है। ठीक है इधर से कुछ करंट आया I1 ये I2 और यहाँ आकर I1 + I2 करंट इस रेसिस्टर के अंदर चला गया। ठीक ये इंटरनल रेजिस्टेंस बना दी मैंने ये प्लस माइनस करंट इधर से आया तो प्लस माइनस माइनस प्लस KVL लगा दे सेकेंड पार्ट में जो पहला पार्ट खत्म सर्किट डायग्राम बन गया। सेकेंड पार्ट में कह रहा KVL लगाओ और करंट निकालो हर एक ब्रांच में तो कुछ मुश्किल काम अब आपके लिए तो रहा नहीं। मुझे लगता है अगर KVL आपके समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को आप यहीं कर देंगे। पोटेंशियल डिफरेंस बताना 5 ओम के अक्रॉस तो करंट आ जाएगा तो V=IR लगा देना भाई I ये हो गया टोटल और R है 5 ओम। ठीक है ऐसे ही 27 है 27 का बस मैं सर्किट डायग्राम थोड़ा ठीक सा बना दूँ। ये दे रखा है एक E बैटरी है यहाँ एक F बैटरी है 2 ओम का रेसिस्टर है यहाँ पर एक G बैटरी है यहाँ पर एक H बैटरी है। ठीक है ये हमें दी है बैटरीज अलग अलग करना क्या है वैल्यू इनकी दे रखी है ई की वैल्यू है 2 वोल्ट तो मैं यहाँ क्या लिखूँ ये छोड़ दो 2 वोल्ट लिख लो। एफ की वैल्यू है 1 वोल्ट जी की वैल्यू है 3 वोल्ट एंड इज 1 वोल्ट और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम 1 ओम 3 ओम तो इसका 2 है यहाँ बना लें इंटरनल रेजिस्टेंस इनके साथ ये हो गया 1 ओम ये हो गया फिर 3 ओम और ये हो गया 1 ओम। ठीक है इंटरलेक्शन सारे बन गए अब आपको साइन लगा लिए माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस मैंने क्या बताया था एक लूप में एक से ज़्यादा बैटरी हो तो आप वहाँ से करंट निकाल दो जो बड़ी बैटरी है बड़ी बैटरी 2 वोल्ट की यहाँ से करंट निकाल दो I1 वो करंट यहाँ तक आ जाएगा पूरा यहाँ 2 बैटरी हैं 3 वोल्ट 1 वोल्ट बड़ी वाली में से करंट निकालो बड़ी वाली ये है तो I2 करंट आ गया।
आई टू करंट आ गया यहाँ से, ठीक, आई टू करंट इधर है, आई वन उधर चला जाता है, यहाँ कितना हो गया आई टू माइनस आई वन, करंट आ गया, फ्लो करवाओ और आंसर निकाल दो, आई वन आई टू की वैल्यू क्या आ रही है, पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस बी डी में बताना है, तो करंट जब ये आ जाएगा तो बी से डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के बता देना, ठीक, उल्टा लिख दिया मैंने, डी इधर है बी इधर, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस मे बी आपको ये डायग्राम क्लियर ना होगा तो इसलिए ये मैंने पूरा बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की अब हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 30, चलिए लास्ट क्वेश्चन मुझे जो कराना है, 28 29 आपसे हो गए होंगे, इजी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 30 हम देखते हैं, 30 क्वेश्चन के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, डायग्राम मुझे दिया है एक्स और वाई के लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए कह रखा है, डायग्राम में भी नोट्स में क्लियर थोड़ा सा ऐसा नहीं है, तो डायग्राम ध्यान से देख लीजिएगा, ये है स्टूडेंट्स एक्स और वाई, ठीक, एक्स और वाई के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है 3 ओम, 20 ओम, 30 ओम, 60 ओम, 24 ओम, 8 ओम और यहाँ वोल्टेज दी है 48 वोल्ट, ठीक, ये कितना 2 ओम। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो बीच बीच का सारा रेजिस्टेंस हमें चाहिएगा, सीरीज पैरेलल जो भी सॉल्व करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे एक्स और वाई के बीच में चाहिए, ठीक, और करंट चाहिए कितना एक्स और वाई के बीच में है टोटल जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू, तो मैं करंट निकाल लूँ पहले, देखिए करंट इन 8 ओम रेजिस्टर अगर हम निकालें, करंट इन 8 ओम रेजिस्टर, 8 ओम के रेसिस्टर में कितना करंट होगा, I इक्वल्स टू वी बाय आर, वोल्टेज है 48 और रेसिस्टेंस हमें दिया है गिवन 8, तो ये पता चल गया 6 एम्पियर का करंट यहाँ है, यानी यहाँ जो करंट आ रहा है वो कितना है 6 एम्पियर का। नाउ अगर 48 वोल्ट यहाँ है तो ये पैरेलल में है, इधर भी 48 वोल्ट जनरेट होगी और मैं लिख सकता हूँ करंट इन 24 ओम रेसिस्टर, 24 ओम के रेजिस्टर में कितना करंट आएगा, तो 48 वोल्टेज है, 24 रेसिस्टेंस है, तो 2 एम्पियर का करंट यहाँ आ गया, इस पॉइंट पर आकर दोनों करंट ऐड होंगे और टोटल यहाँ 8 एम्पियर करंट आएगा, इसका मतलब 8 एम्पियर करंट ही वहाँ से चला था जो यहाँ 8 का टोटल पहुँचा, तो करंट तो मुझे पता चल गया बिना केवीएल लगाए कि टोटल 8 एम्पियर का करंट यहाँ फ्लो हो रहा है। अब बात करता हूँ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की, तो ये तीनों पैरेलल में सॉल्व होंगे 20, 30 और 60, इसका एक तो मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लूँ 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60, तो 60, 30 और 20, 60 ले लें, 3, 2, 1, 60/6, 10 ओम ये आ गया, इन तीनों का 24 और 8 का निकालना पड़ेगा एक ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो 24 × 8/24 + 8 कितना होता है 32, ये हो गया 8 × 4 = 32, 4, 6, तो 6 ओम का रेजिस्टेंस ये आया है दोनों का। अब ये 3 ओम इन तीनों को सॉल्व करके जो 10 आया वो, प्लस इन दो को सॉल्व करके जो 6 आया वो, और एक 2, ये सारे के सारे सीरीज में आ जाएंगे, तो कितना होगा 3 + 10 = 13 + 6 = 21, 3 + 10 = 13, 13 + 6 = 19, 19 + 2 = 21, तो टोटल रेसिस्टेंस मैं कह सकता हूँ कितना आ गया 21 ओम आ गया, टोटल करंट कितना आ गया, टोटल करंट 8 एम्पियर का आ गया, तो आप V इक्वल्स टू आई आर से टोटल वोल्टेज निकाल सकते हैं, टोटल एक्स वाई के बीच का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो क्वेश्चन के अंदर पूछा है, तो करंट आया हमारा 8 एम्पियर का और 21 ओम का रेसिस्टेंस आ गया है, ठीक है, 3, 10, 13, 13 और 6, 19 और 2, 21, तो कितना हो गया ये
आठ और ये 16, 168 वोल्ट टोटल पोटेंशियल डिफरेंस एक्स और वाई के बीच में आया होगा। तो आपके ये सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। अब इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, आप ज़रूर इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।